संजय सिंह की गिरफ्तारी को सीधे सीधे सियासी एक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से करार दिया जा रहा है और संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे बीजेपी मुख्यालय पर। अब से करीब 45 मिनट के बाद आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन शुरू होने वाला है। जो समय दिया गया है वो सुबह 11 बजे का दिया गया है, तो सुबह 11 बजे से बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सियासी घेराबंदी बीजेपी की कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल ये बदले की राजनीति है, ये डर की राजनीति है जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि 2024 चुनाव में बीजेपी को हार नजर आ रही है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय से, हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है, उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं दीपक रावत से। दीपक, क्या यही आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर पहले कार्यकर्ता जुटेंगे और फिर बीजेपी दफ्तर तक मार्च होगा प्रदर्शन के लिए? जी बिल्कुल रोमाना, यह आम आदमी पार्टी का दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर और इसी दफ्तर के बाहर अभी आपको जमावड़ा भी नजर आने शुरू हो गया होगा क्योंकि करीबन एक घंटे का वक्त है जब यहाँ पर प्रदर्शन शुरू होना है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ और चंडीगढ़ इन तमाम जगहों पर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाना आम आदमी पार्टी की तरफ से। और एक तैयारी इस तरफ की दिखा देते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये मंच दिखाइए। ये मंच यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे और यहाँ से वो लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ बीजेपी मुख्यालय का दफ्तर है। करीबन 600-700 मीटर पर बीजेपी मुख्यालय का दफ्तर है, वहां पर जो है जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले ही बैरिकेड लगा दिए जाएंगे, अभी वक्त है प्रदर्शन को शुरू होने में, इसलिए अभी बैरिकेड खोले गए हैं। रोड पे आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी लेकिन ये पूरा रोड जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा जैसा पुलिस आमतौर पर करती आई है। तो फिलहाल पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी आज सड़क पर उतरने की कोशिश करेगी। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन और ये भी जानेंगे कि क्या सिर्फ कार्यकर्ता होंगे या फिर कुछ बड़े नेता विधायक पार्टी के वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आज बीजेपी का शांति प्रदर्शन है और दिल्ली के बीजेपी के सांसद भी विधायक भी ये सभी लोग राजघाट जाने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे बीजेपी करेगी शांति प्रदर्शन। देखिए बीजेपी की रणनीति में तब्दीली, कल जिस समय संजय सिंह के घर पर ईडी का एक्शन चल रहा था उस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर था, लेकिन आज जब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर बीजेपी की तरफ से राजघाट पर जाकर शांति प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें दिल्ली बीजेपी के सांसद और एमएलए शामिल होंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि झा मौजूद हैं इस वक्त यहीं राजघाट वाले इलाके से। जरा जानते हैं निधि से यहां पर किस तरीके की तैयारी इंतजाम बीजेपी के शांति प्रदर्शन को लेकर देख पा रही हैं आप निधि? रोमाना, इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूं और सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहूंगी कि 11 बजे यहां बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक और पार्षद समेत बड़ी संख्या में यहां पर लोग जुटेंगे और उसको लेकर के एहतियातन यहां जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं और इनकी तैनाती लगभग आधे घंटे पहले से की गई है। बैरिकेड्स पूरी तरह से कर दिया गया है। बीजेपी इस गिरफ्तारी को न्याय की जीत बता रही है और इसी के मद्देनज़र आज यहाँ बड़ी संख्या में अब से कुछ देर में बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ नजर आएंगे जिसमें सांसद भी होंगे और शांति प्रदर्शन का इसको बीजेपी ने नाम दिया। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए पूरा बैरिकेड कर दिया गया है और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं इसको देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं वो यहाँ जुटने वाले हैं। और यहाँ पर आपको देखिए अभी भी जो है वो रस्सी लगा करके बैरिकेड जो है वो की जा रही है। यहाँ पर कुछ ही देर में जो लोग जुटेंगे, जो बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ पर शामिल होंगे, और देखिए कल से ही ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही बीजेपी पूरे दमखम से जुटी हुई है ये संदेश देने के लिए कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है और बीजेपी इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। न्याय की जीत तो बता ही रही है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जुटेंगे। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बीजेपी का यहाँ राजघाट पर प्रदर्शन। मेरे साथ में आपके पास जैसे ही यहाँ पर एक्शन शुरू होगा एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।